सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही प्रीमियम एंड लग्जरी कार। और भाई लोगों आप देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगी कौन सी है, कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को कौन सी गाड़ी है इतनी वीडियो में। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये है मर्सिडीज बेंज GLS 350D। और भाई इसके इंजन स्पेक्स की बात करूँगा ना, इसमें 2987 सीसी का इंजन मिलता है। और भाई इसके ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर आती है, 7 सीटर है। और भाई अगर आप लोग देख रहे हो ना, पहले तो देख लो लंबी कितनी है भाई ये, और भाई टायर देख लो कितने ऊँचे ऊँचे हैं। तो भाई इस गाड़ी की बात कर लेते हैं आज। फ्रंट लुक से बात करने से पहले आप इसके लुक्स देख लो एक बार। सो भाई अभी तक आपने एंजॉय करे होंगे इसके सिनेमैटिक शॉट्स। और मैंने जैसा कि कहा था, गाड़ी एक नंबर है भाई, आपने देख ली होगी कितनी बेहतरीन गाड़ी है। सबसे पहले इसके फ्रंट लुक से बात कर लेते हैं। फ्रंट लुक में सबसे मेन चीज़ आती है इसका बोनेट। इतना नंबर में बोनेट आपको मिल जाता है, साथ ही स्पोर्ट भी मिल जाता है। बीच में आपको मर्सिडीज बेंज का लोगो मिल जाएगा, ये देखो, जो कि एक नंबर लोगो लग रहा है। और भाई दूसरी बात, अगर बात करोगे आप इसके हेडलाइट्स की, DRL की प्लेसमेंट आपको इसके अंदर मिल जाएगी। दो प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाएंगे जो कि आपको मूवेबल मिलेंगे, अभी जब दिखा दूंगा मैं एक क्लिप में। बीच में यहाँ पे आपको फॉग लैंप की हाउसिंग मिल जाएगी, साथ में बोल्ड ग्रिल मिल रही है, मतलब जितना बड़ा मेरा हाथ है ना, मतलब नहीं आने की है हाथ में, देखो इतनी बड़ी ग्रिल है इसके अंदर। और बीच में मर्सिडीज़ का इतना बोल्ड लोगो दे रखा है आपको, भाई दूर से ही चमक जाती है कि मर्सिडीज़ की गाड़ी आ रही है। और नाम है गाड़ी का, इतनी चौड़ी गाड़ी है, इतनी बड़ी गाड़ी है, और बहुत दूर खड़ा हूँ मैं तो यार, देख लेना कितनी मस्त लग रही है। और भाई बढ़िया लुक आ रही है, साथ में उसमें आपको जो सनरूफ मिलेगी ना, वो आगे और पीछे वाले के लिए दोनों के लिए मिलेगी, जैसा कि आपने अभी शॉर्ट्स में देखा होगा। तो इसके साइड लुक की बात कर लेते हैं। साइड लुक में आप देखोगे सबसे पहले तो इसका इतना बड़ा टायर देख लो। और भाई अगर टायर साइज़ की बात आप इसमें करने वाले हो, तो टायर साइज़ में जो हमें मिलेगा वो मिलेगा इसमें हमें R20, यानी कि 20 इंच का टायर मिल रहा है भाई इसमें। और अलॉय व्हील देख सकते हो कितने बेहतरीन लग रहे हैं, और रात में तो धुलने के बाद या शाइनिंग इतनी कैडी आएगी भाई, बहुत ही प्रीमियम फिनिश रहने वाली है इनकी। और जो इसमें डिस्क ब्रेक की बात करोगे तो ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे आपको, जो कि बेस्ट थिंग है, मतलब 3 लीटर का इंजन डीजल में 7 सीटर के साथ, तो बेस्ट थिंग है। और भाई क्रोम की फिनिशिंग है आपको स्टार्टिंग विंडो में, अपर साइड और नीचे साइड दोनों में क्रोम की फिनिशिंग मिलेगी आपको। यहाँ पे ORVM में आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाएगी, जो कि दो इंडिकेटर काफ़ी प्रीमियम लुक देते हैं। और ड्यूल कलर का लुक भी इसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि ब्लैक कलर और बॉडी कलर के साथ ही आपको मिलती है। नीचे आपको फुटरेस्ट मिल जाता है, जो कि आपको अंदर बैठने के लिए काफ़ी हेल्प करने वाला है। लॉक करने पर शीशे अपने आप फोल्ड हो जाते हैं, और अनलॉक करने पर आपके शीशे बाहर को अपने आप आ जाते हैं। और ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगी, इसमें बीच में थोड़ा सा गैप दे रखा है, जो कि एयर फ्लो वेंटिलेशन इसमें बहुत बढ़िया बनेगा। और टिंटेड आपको इसमें ग्लास मिल रखे हैं, ये ग्लास मतलब आपको थोड़े से ग्रीनिश से लग रहे होंगे, वो इसलिए होते हैं ना, क्योंकि एक तो बड़ी गाड़ी इतनी महंगी है। अगर प्राइस रेंज की बात करोगे तो 98 लाख भाई मैटर करती है, 98 लाख। और जो देखो ये जो रोशनी देख रहे हो ना आप सूरज की, ये भी सब हट जाएगी इसमें से, मतलब अंदर बैठने के बाद आपको लगता नहीं है कि इतनी सूरज की रोशनी अंदर आ रही है, यू वी ग्लासेस आप इन्हें कह सकते हैं। बॉडी कलर आपको इसमें डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, साथ में यहाँ पर आपको सेंसर मिल जाएगा लॉक और अनलॉक के लिए, और की के लिए भी यहीं से आपको सॉकेट मिल जाएगा। साथ ही ये इसका बैक डोर का लुक है। और भाई गाड़ी इतनी लंबी है, देखो पीछे से आगे से मैंने आपको दिखा दी, एक बार पीछे से और दिखाता हूँ, ये देखो भाई बेहतरीन क्या लुक आ रहा है इसका यार, मतलब एक नंबर लुक है। और यहाँ पर आपको फ्यूल लाइट दे रखा है, पीछे ग्लास है, और मतलब पीछे वालों के लिए भी स्पेस ना बहुत अच्छा रहने वाला है इसमें, अगर आपको क्लियर हो रहा होगा तो। बाकी मैं अंदर से आपको दिखा दूंगा, भाई एक नंबर लग रही है गाड़ी। पीछे वाले टायर कुछ ऐसा दिखता है आपको, अलॉय व्हील की शेप, टायर मिशलिन का मिलता है। बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी सी आ रही होगी तो वो प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि रोड पर खड़ा हुआ हूँ मैं फिलहाल के लिए, तो बैकग्राउंड नॉइज़ इग्नोर करना। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बम्पर, जिसमें पार्किंग सेंसर साइड में भी मिले हुए हैं, तो साइड से लगने वगैरह का ना बहुत सारे झंझट रहते हैं, तो बहुत सारी बेस्ट थिंग है कि इसमें आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं। ये इसका बैक लुक है, और बैक लुक में लाइट गदर लुक आ रही है भाई लाइट की, मतलब गाड़ी इतनी महंगी है तो भाई क्यों नहीं आएगी। 4Matic इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको क्रोम की एक इसका प्लेट मिल जाएगी बीच में, जो कि इसे दूसरे वाली लाइट से और दोनों लाइट को ज्वाइन कर रही है। बीच में मर्सिडीज़ का लोगो मिल जाएगा,
और साथ ही इसमें आप की से ही खोल सकते हो इसका बूट, और भाई बूट स्पेस आपको ऐसा कुछ इसमें प्रोवाइड रहने वाला है, ये आपका फोल्ड भी जाता है। और भाई बूट ना आप मतलब चाबी से ही बंद कर सकते हो, चाबी से ही खोल सकते हो, सबसे बेस्ट थिंग है ये। यहाँ पे आगे को आके ऐसे लग जाता है इसमें, देखो तो ये भी आपको बेस्ट रहने वाला है। और यहाँ पे आपको 12 का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, लाइट मिल जाएंगी यहाँ पे आपको, साथ ही यहाँ पे आपको सीट एडजस्टमेंट के लिए मिल जाते हैं बटन, आपको खुद मतलब उससे एडजस्ट नहीं करनी पड़ेगी, सीट एडजस्टमेंट के लिए बटन मिल जाएंगे। और बढ़िया लग रही है भाई यार गाड़ी, कुछ भी कहो बढ़िया है। तो भाई ऐसा कुछ है इसका बैक साइड, और यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिल जाएंगे बंद करने के लिए, साथ ही रिफ्लेक्टर यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा, इससे गाड़ी अपना बूट ना अपने आप बंद हो जाएगा, बेस्ट थिंग ये है। और नीचे के साथ साथ में आपको डिफ्यूज़र मिल जाएगा, साथ में क्रोम की प्लेट मिल जाएगी, एक यहाँ पर दो डिफ्यूज़र इसके अंदर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, एक यहाँ पर मिल जाएगा और एक यहाँ पर। पार्किंग सेंसर की बात करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पार्किंग सेंसर इसमें आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। GLS 350D की बैजिंग आपको इसमें अंदर यहाँ प्रोवाइड हो जाएगी, यहाँ पे आपको टेल लैंप मिल जाएंगे, और साथ में उसी के साथ में स्पॉइलर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। रियर वाइपर डीप फोकर इसमें मिलेंगे आपको, जो कि दिख रहे होंगे क्लियरली दिख रहे होंगे, ग्लास थोड़ा सा ग्रीनिश है तो अंदर ना इतनी शेडो भी नहीं जाएगी ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि अंदर इतनी धूप नहीं जाने की है, आपको इतनी धूप लगेगी नहीं जैसे नॉर्मल गाड़ियों में। मेरी गाड़ी में क्या देखो प्लेन सी है, आपको ब्लैक ब्लैक इसलिए दिख रहे होंगे क्योंकि ऊपर जो है सनवाइजर लगा हुआ है, लेकिन इसमें देखो बिल्कुल ग्रीनिश शीशें मिलेंगे आपको। और ये रहने वाला है अपना लेफ्ट साइड का व्यू, यानी कि को पैसेंजर साइड का व्यू रहने वाला है ये साइड से अपना, जो कि ये भी एक नंबर दिख रहा है। पता गाड़ी एक नंबर है यार, ये मत कहना मैं गाड़ी की तारीफ कर रहा हूँ भाई, वर्थ है 98 लाख रुपीज़ के अंदर वर्थ है ये सही में। और